अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एनपीएस अकाउंट में आप वर्चुअली अकाउंट को कैसे यहाँ पे बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है। हम आज एसबीआई के ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे कि वर्चुअल अकाउंट है आपका, जैसे डी रिमिट के बारे में आपको पता होगा, एक नई पेमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च की गई है, यहाँ से लगभग 6-8 महीने हो गए से, और उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें इसके ज़रिए आप एसआईपी भी कर सकते हैं, यानी आप उसे आपका ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत ही बढ़िया, कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये काम में आने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे एनपीएस अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, टीयर वन के लिए और टीयर टू के लिए, दोनों ही अलग अलग वर्चुअल अकाउंट रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो क्रिएट किए हैं, तो उसके बारे में हम आज बताएंगे यहाँ पे कि आपको वर्चुअल अकाउंट के ज़रिए बेनिफिशियरी को कैसे ऐड किया जाता है और उसके जैसे कैसे हम पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे यहाँ पे लैपटॉप पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे नेट बैंकिंग पे आ चुके हैं, हम यहाँ एसबीआई की नेट बैंकिंग हमने ओपन कर चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड मैनेज बेनिफिशियरी पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो उसे डालना पड़ेगा। या तो मैं यहाँ से प्रोफाइल पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अगर हमारे पूरी यहाँ पे कर चुके हैं, हम यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड में आ चुके, तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें अदर बैंक बेनिफिशियरी पे जाना, क्योंकि हमारा आईएफएससी कोड है वो एक्सिस बैंक का है। अगर आपने वर्चुअल अकाउंट खोला है और खोलते समय आपका जो अकाउंट नंबर मिला है उसमें आपको क्या रहता है कि इसमें आपका जो अकाउंट के साथ एक लिंक आती है, उसमें जाने के बाद आपको उसके जो आपके पास जो आईएफएससी कोड आता है वो एक्सिस बैंक का आता है। तो ऐसे हम हमारा नाम डालेंगे यहाँ पे और सामने यहाँ पे टीयर टू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है वो डालेंगे यहाँ पे, और उसके साथ नीचे भी हम वही अकाउंट नंबर डालेंगे, और यहाँ पे एड्रेस तो हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे लिमिट के बारे में, यहाँ पे लिमिट बोल रहा है इसमें हमें कितना कम से कम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हम उसे 10,000 कर लेते हैं। और यहाँ से आईएफएससी कोड हम यहाँ पे डालेंगे, हमारा जो आईएफएससी कोड है वो डालेंगे यहाँ से। यहाँ पे डालने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर पे है एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद हम उसे यहाँ पे उसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट है, यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, अकाउंट नंबर दिखा रहा है, या आईएफएससी कोड दिखा रहा है, आपका मोबाइल नंबर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से उसे कंफर्म करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सक्सेसफुली बेनिफिशियरी ऐड हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पे अप्रूवल के लिए हमारे पास जो एक ओटीपी आ चुका होगा, तो हम यहाँ से उसे अप्रूव नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है जो यहाँ पे हब है, जो सेंट्रल कॉलिगेशन हब, यहाँ पे एक्सिस बैंक दिखा रहा है, आईएफएससी कोड और हमारा जो अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे आप अप्रूव नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर से हम पासवर्ड डालेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं, और जो सिक्योरिटी पासवर्ड आ चुका है हम यहाँ से उसे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बेनिफिशियरी है वो ऐड हो चुकी है। हम यहाँ से लगभग हमारे पास टाइम जो इतना सक्सेसफुली ऐड अप्रूव्ड, हमने जो बेनिफिशियरी का नाम डाला है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, बेनिफिशियरी अप्रूव्ड हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच एक्टिवेशन या 24 आवर्स में होगा, और इसमें आपको यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट दी गई है, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट, फिर यहाँ पे न्यूअल से 500 द 4 डेज द एक्टिवेशन आफ्टर एक्टिवेशन, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, वो लिमिट सब कुछ आपको दिखा रहा है। तो ऐसे हमारा जो बेनिफिशियरी है वो इस प्रकार से हमने ऐड किया है, आप पूरा पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना भी ना भूलिए। एक थम्स अप तो बनता है।